बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स हम स्टडी करेंगे और ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे है। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन शो नहीं करते बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स के इसके पास सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, उसको मजीद बॉन्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करते। और जो रिएक्शन शो करते भी हैं वो हाई टेम्परेचर पे शो करते हैं। इसके अलावा दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स के जो रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें अल्केन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता। तो जब अल्केन्स का कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह कोई और एटम अटैच हो जाता है तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय सम अदर एटम। आपकी बुक में अल्केन्स के टू रिएक्शंस शो किए गए हैं, हेलोजिनेशन एंड कम्बस्शन। हेलोजिनेशन की भी तीन कंडीशंस हैं। अल्केन्स जो है वो हेलोजन्स के साथ तीन तरह से रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ब्राइट सनलाइट एंड डिफ्यूज सनलाइट। हेलोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन 17 ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजन्स कहा जाता है। उनकी सब्स्टिट्यूशन जब होती है हाइड्रोजन की जगह, उन हेलोजन्स की सब्स्टिट्यूशन जो होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हेलोजिनेशन इन डार्क, अगर कोई लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो उस दौरान कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसको लाइट चाहिए होती है अल्केन्स को रिएक्शन शो करने के लिए। तो डार्क में, अंधेरे में ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता विद द हेलोजन्स। इन डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन एक्सप्लोजिव होता है, इसमें एक्सप्लोजन के साथ होता है रिएक्शन, और साथ में कार्बन इज डिपॉजिटेड, कार्बन जो होता है उसकी डिपोजिशन होती है, एक्यूमुलेशन होती है रिएक्शन। इसमें अल्केन की यहाँ पे एग्जांपल है मिथेन CH4, और साथ में हेलोजन लिया यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स यूज़ किए गए हैं बैलेंसिंग के लिए। इसमें प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक कार्बन एटम और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखें यहाँ पे फोर हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में फोर लगा दिया, तो इस फोर को लगाने की वजह से H तो फोर हो गए लेकिन इसके साथ साथ क्लोरीन भी फोर हो गए। तो क्लोरीन को इस साइड पे बैलेंस करने के लिए टू लगा दिया, क्योंकि ये स्मॉल टू इसके साथ ऑलरेडी था, तो यहाँ पे स्टार्ट में जब हमने टू लगा दिया तो ये टू टू ज़ा फोर हो गए क्लोरीन इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। नाउ इन डिफ्यूज सनलाइट, ब्राइट सनलाइट नहीं होती, डिफ्यूज सनलाइट हो तो इसमें अल्केन्स का हेलोजन्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो सीरीज में होता है, एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होता है। एंड इन ईच स्टेप, हर एक स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय हेलोजन, एक हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती है या सब्स्टिट्यूशन होती है और उसकी जगह कोई एक हेलोजन एटम अटैच होता है। सो इस तरह से क्या होता है कि ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन्स, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अल्केन्स में उसकी जगह हेलोजन एटम्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बुक के पेज नंबर 86 पे एग्जांपल मेंशन है, एक कंडेंस फॉर्म में फॉर्मूले लिखा हुआ है, मैं आपको ओपन फॉर्म में इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करके ये रिएक्शन समझाऊंगी किस तरह से होता है। यहाँ पे एग्जांपल ली है मिथेन की और साथ में जो हेलोजन ली है वो क्लोरीन लिया हुआ है, और ये सब जो रिएक्शन है ये डिफ्यूज सनलाइट में होता है। सो ये CH4 है, कार्बन उसके साथ फोर हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, एक कार्बन को फोर, मैक्सिमम फोर बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि उसको फोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्लोरीन Cl2 था, इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है CH4 का एक हाइड्रोजन लेके यहाँ से HCl बना लेता है, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी प्लेस को रिप्लेस कर लेता है और यहाँ पे जाके उसकी जगह अटैच हो गया। बाकी तीन हाइड्रोजन एटम एज इट इज रहेंगे और फोर्थ जो हाइड्रोजन एटम उसकी जगह क्लोरीन अटैच हो गया, और ये हाइड्रोजन एटम दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा।
ये जो प्रोडक्ट आएगा इस हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्लोरोमिथेन। यही वाला प्रोडक्ट हम दोबारा से लेंगे यहाँ पे और एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे। अगेन सेम रिएक्शन होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, ये क्लोरीन किसी और इस कार्बन एटम के दूसरे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और जो दूसरा क्लोरीन है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो ये वाला क्लोरीन फर्स्ट स्टेप से आया और ये क्लोरीन जो है ये सेकेंड स्टेप से आया। अब इस कार्बन के पास दो क्लोरीन हो गए क्योंकि इसमें से दो हाइड्रोजन वन बाय वन रिलीज हो गए थे, सब्स्टिट्यूट हो गए बाय हेलोजन एटम। अब यहाँ पे दो क्लोरीन अटैच हो गए तो इसको हम कहेंगे डाई क्लोरोमिथेन। ये वाला प्रोडक्ट दोबारा से आएगा हमारे पास, इसको हम एज अ रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। अगेन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे, इसमें से एक क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और दूसरा क्लोरीन इसकी जगह सब्स्टिट्यूट होके उसकी प्लेस ले लेगा। तो इस कार्बन के पास अब थ्री क्लोरीन अटैच हो गए और फोर्थ हाइड्रोजन है, क्योंकि तीन क्लोरीन है इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राई क्लोरोमिथेन। नाउ ये वाला जो प्रोडक्ट है ये दोबारा से इसको एज अ रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, क्लोरीन फोर्थ हाइड्रोजन को उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा और ये जो दूसरा क्लोरीन एटम है ये उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा, उसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे चार क्लोरीन एटम्स हो गए, इसको हम कहेंगे टेट्रा क्लोरोमिथेन, क्योंकि ये मिथेन से बने हैं और अटैच के साथ क्लोरीन है और चार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो। इसका कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं। और जो ट्राई क्लोरोमिथेन है इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। सेकेंड रिएक्शन है कम्बस्चन। कम्बस्चन ऑफ अल्केन्स कहते हैं बर्निंग ऑफ अल्केन्स को, अल्केन्स का बर्न होना, जलना, क्योंकि अल्केन्स को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। सो बर्निंग ऑफ अल्केन जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा या एयर की मौजूदगी में बर्निंग होती है और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो तीन तरह के होती हैं, हीट रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर फॉर्मेशन होती है। नाउ ये रिएक्शन भी दो तरह से होता है, डिपेंड करता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक मीन्स के लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यहाँ पे मिथेन है साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये मिथेन बर्न करेगा और इससे रिजल्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ये जो टू है स्टार्ट में और यहाँ पे जो टू है ये हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया है। यहाँ पे फोर हाइड्रोजन थे तो दूसरी साइड पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने स्टार्ट में टू लगा दिया, उससे ये ऑक्सीजन भी टू हो गए और ये भी ऑक्सीजन है, दो ये ऑक्सीजन, दो ये, चार ऑक्सीजन हो गए। तो इस साइड पे बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में टू लगा दिया। नेक्स्ट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंसंट्रेशन में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो उससे जो रिएक्शन होगा वो इनकम्प्लीट कम्बस्चन होगी, प्रॉपरली वो उसकी अल्केन्स की बर्निंग नहीं होगी और जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और साथ में कार्बन, यहाँ पे मिथेन है साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें इसकी बर्निंग हुई और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में कार्बन और H2O वाटर प्रोड्यूस होगा। ये जो सिक्स है यहाँ पे, ये टू, फोर और ये थ्री, ये बैलेंसिंग के लिए लगाया ताकि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएं, इस तरह से इनकी एडजस्टमेंट की गई है। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 86। हेलोजिनेशन में ये जो हाइलाइटेड लाइंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। देन हेलोजिनेशन का जो स्टार्ट है वो यहाँ से हो रहा है। These alkanes are characteristic properties. These reactions are the characteristic properties of alkanes. यहाँ तक आएगा इसमें हेलोजिनेशन की हेडिंग में और यहाँ से जो हेडिंग आएगी ये है डायरेक्ट सनलाइट। इसमें यहाँ से यहाँ तक है, ये रिएक्शन भी इसके साथ ही है डायरेक्ट सनलाइट का। डिफ्यूज सनलाइट की हेडिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। नेक्स्ट जो कम्बस्चन का पॉइंट है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ और ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये आता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देन ये इसकी हेडिंग है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जो नेक्स्ट टू लाइंस और ये जो रिएक्शन है इसकी हेडिंग है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो कम्बस्चन में दो हमारे पास सब हेडिंग्स आती हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नाउ कम टू पेज नंबर 100। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स किस तरह से, किस किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का रेफरेंस देके इसको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है अल्केन्स की और इसमें
यह जो ये पैराग्राफ है ये लिखना है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेचुरेटेड, देयर फॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और ये जो पैराग्राफ है ये आपके बुक के पेज नंबर 84 पे, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट थ्री लाइन्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है अल्केन्स की हेडिंग में। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की, और इसमें आपने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको अभी बुक पे मार्क करवाई है, बुक के पेज नंबर 86 पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है ये आपने लिखनी है फर्स्ट थ्री लाइन्स में। देन हेलोजिनेशन की हेडिंग आएगी, इसमें आपने लिखना है दीज रिएक्शन आर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हेलोजन इन डिफ्यूज सनलाइट ओनली। फिर आपने हेलोजिनेशन की ही सब हेडिंग देनी है इन ब्राइट सनलाइट, और इसमें आपने ये रिएक्शन लिखना है ब्राइट सनलाइट या डार्क सनलाइट, कुछ भी आपने हेडिंग दे सकते हैं कोई भी, और इसमें ये रिएक्शन लिखना है। देन आपने हेडिंग देनी है इन डिफ्यूज सनलाइट, और इसमें आपने कंप्लीट रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, जो डिफ्यूज सनलाइट का आपके पास रिएक्शन है बुक के पेज नंबर 86 पे, ये जो रिएक्शन है डिफ्यूज सनलाइट की, ये हेडिंग देके ये तीन लाइंस लिखनी है और ये आपने ये सब इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्केन्स आर अ सोर्स ऑफ हीट, एक्सप्लेन इट। अल्केन्स हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, हीट इसमें से ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये कंबस्शन वाला ही जो टॉपिक आपको मैंने अभी मार्क करवाया वही लिखना है आपने। फर्स्ट हेडिंग आएगी कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें स्टार्ट वाली लाइंस और फर्स्ट रिएक्शन है। देन बर्निंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और लास्ट टू लाइंस और रिएक्शन है इसमें। सो बेसिकली कंबस्शन का कंप्लीट टॉपिक इसमें आता है। फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें ये फर्स्ट फोर लाइंस और ये रिएक्शन लिखना है। देन आपने हेडिंग देनी है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसमें टू लाइंस और ये रिएक्शन लिखना है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।